ये कोई और नहीं तेरी जन्मदाता माँ, हाँ महारानी जी। माँ पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा बेटा। नहीं तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हो। नहीं माँ मुझे पहचानो, एक बार देखो ना मुझे, मैं अजय, पहचानो ना मैं अजय से। लेकिन मैं कैसे देखूं, मैं देख नहीं सकती हूँ, मैं कैसे देखे क्या तुम देख नहीं सकती हो। नहीं सकती हूँ बेटा, मेरी आंखों को फोड़ दिया गया है। माँ कौन कहता है कि आप देख नहीं सकती हैं? आप देखेंगे, अभी देखेंगे माँ, सब कुछ तुम देखोगे, चिंता मत कीजिए। आंखों को खुली, आंखों को खुलकर अपने बेटे का दीदार करो माँ। मेरा लाल अभी तो जीवित है, देख बेटा तेरे जाने के बाद तेरी माँ की क्या हाल हो गई। माँ तुम घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी माँ। हाँ मेरे लाल, लेकिन सरदार जी आप कौन है जो एक दिन मेरी जान बचाई और आज मेरे बेटे को मुझसे मिला दिया? मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। महाराज जी ये कोई एहसान नहीं, आप पहचानना चाहती हैं कि मैं कौन हूं? पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूं। दादाजी यह भगवान, ये मैं याद क्या देख रही हूं, कौन सेनापति आप? हाँ वही सेनापति अमर सिंह। सेनापति दादाजी आप मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरी माँ की जान बचा करके और मेरी जान बचा करके बहुत बड़ा उपकार किया है। एक गुजारिश है आपसे, एक बार मेरे पिताजी से मिला दीजिए, मैं जीवन भर तुम्हारा। घबराओ नहीं बेटे, घबराओ नहीं, अब तो वक्त आया है हिसाब चुकता करने का। अब और धन्यवाद तो देवी का। बेटी 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 तुमने बहुत बड़ा उपकार किया। कौन हो बेटी? माँ आप मुझे क्या जानेंगी, क्योंकि मैं इस लोक की हूं ही नहीं, मैं परिस्थान की हूं, मैं एक परी हूं माँ। लेकिन बेटी तुमने मेरी आंखों की रोशनी मुझे फिर से वापस ला दिया, मैं आपका एहसान कभी जीवन में नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है माँ, हम लोगों का तो खानदानी पैसा ही यही है कि किसी के कष्ट को हर लेना, किसी को ना कष्ट में देखकर उससे उसके झोले में खुशियों देना, ये तो मेरा कर्तव्य है माँ। हम लोग किसी के कष्ट को देख नहीं पाते हैं, हम लोगों का दिल हृदय से भरा होता है। हाँ बेटी मैं जानती हूँ, लेकिन सरदार जी आपने जैसे हम लोगों की रक्षा हमेशा करते आए हैं, आज एक छोटी सी मदद और कर दीजिए। मेरे स्वामी जी को वो दरिद्र लोग कैद करके जेल में डाल दिया है, उनको छुड़ा लीजिए, नहीं तो लोग। महाराणी जी
घबराई नहीं, अभी अमर सिंह जिंदा है, मेरे रहते हुए महाराज के जिस पर एक खरोच आई तो भगवान कसम उसके जिस्म का सारा लहू निकलवाकर बाहर कर दूंगा। विधि तरह एक बार चलकर तुम हीरागढ़ के महाराज नाहर सिंह के सामने मुखाती हो, ताकि महाराज से आपके पर्चे हो, बेटी तुमने महाराज के बेटे की जान बचाई और महारानी जी की आंखों की रोशनी वापस लाई, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया। तो एक बार महाराज के सामने चलकर मुखाती हो, आओ बेटी, बेटे माँ को लेकर आओ। अरे हिराई ले आओ नाहर सिंह को और बात तो सीख हमें भी, आओ नाहर आओ, गाओ नाहर सिंह किस हाल में हो, उतर गई सारी गर्मी। बार बार जेल से मुझे बाहर निकाल कर क्यों परेशान किया जा रहा है? आप लोगों ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया है। अरे मारना है तो मार दीजिए मुझे जान से। घबराओ नहीं नाहर सिंह, वो भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। नाहर सिंह आज ये अरमान तुम्हारे हम पूर कर देंगे। कहने वाले कहाँ हैं? कहने वालों ने कहा कि सुबह हो जाए तो चिराग बुझा देना चाहिए और खत्म करो महारानी में बनू, सिपाही लगाओ निशान उसको। नाहर सिंह अब तुम इस दुनिया से जाओगे, बीवी बच्चे तुम्हारे गए और तुम भी जाओगे यहां से। नंबर तो अरे अरे नीच तू भेड़िया करता अत्याचार, अरे नीच भेड़िया करता अत्याचार। और लाखन सिंह है, लाखन सिंह है आ गया तुझे मारने। लाखन सिंह देखिए, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, आज तुम्हें धन दौलत की जरूरत है तो बोलिए, शाही खजाना खुला है, जितना चाहो उतना ले जाओ। ठीक कहा जौहर सिंह, ठीक कहा। लाखन सिंह जी तेरी क्या दुश्मनी है? क्या दुश्मनी? लेकिन तू अच्छी तरह जानता है कि डाकुओं को धन की लालसा होती है और जब धन नहीं मिलता तो जान भी लेता है। मैं तुम्हें धन दूंगा, लेकिन धन ही नहीं, धन भी लूंगा और जान भी लूंगा। जान लेने से क्या पाओगे? धन दौलत ले जाओ, ऐसो आराम करोगे, जाओ दोबारा नहीं पड़ेगी। जान लेना है तो नाहर सिंह की ले लो और मुझे महारानी बनना है। देखो भाई, बीच में कोदहली को बोलने की जरूरत नहीं है, तुम साइड में खड़ी हो जाओ, लेने देने की बात करो। सबसे पहले महाराज को आजाद करो। नेकी के फरिश्ते आप कौन हैं?
जो कि इन दरिंदों से आकर हमारी जान को बचाए हैं। कौन हैं आप? महाराज नरसिंह, आप पहचानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं? जी हाँ, पहचानो पहचानो जौहर सिंह, तुम भी आंखें खोलकर पहचानो कि मैं कौन हूं। अमर सिंह, तुम अब क्या करने के लिए आए हो? माथी मेरे सर का साया जिसे आपने छीन लिया, मेरा बेटा था, इन लोगों ने झूठा लांछन लगाकर मेरे हाथों से उसे सजा दिलवा दिया। पत्नी थी, इन दरिंदों ने मेरी नजरों के समक्ष उसकी दोनों आंखों को छीन लिया। इसे हीरागढ़ राजरियासत से बाहर निकाल दिया। अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? अमर सिंह, एक कत्ल आपने पहले किया था, एक कत्ल आज और कर दीजिए। इन दरिंदों के हाथों से मरना अच्छा। उठाओ अपने हाथ में खंजर और मेरा भी सर कलम कर दीजिए। अमर सिंह महाराज, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वही इंसान हूं सर पर कफन बांध कर देश की रक्षा करता हूं। जिस गोली पर दूसरे का नाम होता है वो गोली अपने सीने पर रोक कर देश की रक्षा करता हूं, उसकी जान बचाता हूं और फिर राजमाता का कट। महाराज, जिस वृक्ष को खून से सींचा हो उस वृक्ष को कभी काटने की कोशिश नहीं की। आपको गलतफहमी हुई थी और आज आज हमें मौका चाहिए। उस वक्त आपसे मौका मांग रहा था लेकिन आपने मौका नहीं दिया। गलतफहमी हुई कि सबूत साथ में मिला था। घबराओ नहीं जौहर सिंह, घबराओ नहीं। कहां से कहानी शुरू हुई, सब दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। अमर सिंह, आपके खिलाफ सबूत मिला था। महाराज सत्य, लेकिन सबसे पहले आप अपने बीवी बच्चे की बात की तो आपका बच्चा भी सलामत है, आपकी बीवी भी सलामत। क्या मेरा बेटा और मेरी पत्नी अभी भी जिंदा के? महाराज, जिसको राखे साइया मिटा सके न कोई, पाल न पाका कर सके चाहे दुनिया बैरी। अमर सिंह, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरी पत्नी? साथियों, जाओ बच्चे को और महारानी जी को लेकर यहाँ आओ। क्या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरा बेटा और मेरी पत्नी अभी भी जिंदा गए? लेकिन प्रिय, ये मैं क्या देख रहा हूं कि इन दरिंदों ने तो आपकी आंखों को छीन लिया था, फिर आपकी आंखों में ये रोशनी कैसे आई? प्रिय, मेरी आंखों को फोड़ दिया गया था, लेकिन धन्यवाद तो है इतने भी जी का, जिनकी वजह से आज मेरी आंखों की रोशनी मुझे फिर से वापस।
इस लड़की की वजह से आपकी आंखों में रोशनी वापस आई है। बेटी सामने आइए। जी राजन। आप कौन है? देखने में तो इंसान है लेकिन जरूर आप कोई देवी होंगी। आज आपने हमारी पत्नी की आंखों में रोशनी वापस लाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया कि आज ये हीरागढ़ का सहिंसा आपको बार बार नमन करता के मैंने इसमें कोई उपकार नहीं किया है राजन।